Hello students, now in this video we will be doing last exercise of linear equations in two variables, that is of class 9. ठीक है, linear equation in two variables की हम लोग last exercise करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले एक बार और recall कर लेते हैं, linear equations in two variables कौन सी form में होती हैं? ax plus by plus c is equal to. जो टू वेरिएबल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कौन से फॉर्म में लिखी हुई है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे ए हमारा क्या है? व्हाट इज ए? ए बेसिकली क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स. बी हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई. और सी हमारा क्या है? कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हमने क्या देखा? x की हम वैल्यू चेंज करेंगे कोई भी, या फिर x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हमें y की वैल्यू मिलेगी. फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, 2x plus 3y is equal to, ऐसे ले लेते हैं, कि 2x plus y is equal to 1. ओके, अब यहाँ पे आप y की कोई भी वैल्यू पुट करिए. अगर आपने y 0 पुट किया है तो 2x प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन बाय टू. ओके, क्योंकि ये जीरो खत्म हो जाएगा, टू उधर चला जाएगा. ठीक है, अगर हमने सपोज वाई वन ले लिया है तो टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स टू एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन, तो फिर टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो. अब आप देखिए, जब आपने वाई की वैल्यू जीरो ली तो एक्स की वैल्यू क्या आई? वन बाय टू. जब y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू क्या आई? 0. ओके, अच्छा, इसी इक्वेशन को अगर हमने ऐसे लिखा होता, सपोज ये इक्वेशन कुछ ऐसी होती. यहाँ पे अभी हमने क्या देखा? जैसे हम y की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है. ठीक है, नाउ टेक द केस, सपोज लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? पहले ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं 2x प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट भी क्या हो गया? 0 हो गया. ठीक है, अच्छा, इस इक्वेशन में आप y की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए. अब सपोज यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 2x plus 0 into 1, 0, तो 2x minus 3 is equal to 0, तो x कितना आएगा? 3 by 2, minus 3 उधर चला गया, 2 upon में चला गया. फिर आप y is equal to 2 ले लीजिए, तो यहाँ पे जब आप 2 करेंगे, 2 into 0 भी क्या हो जाएगा? 0, तो फिर से 2x minus 3 is equal to 0 आएगा, तो x is equal to फिर से 3 by 2 हो जाएगा. अब आप y की वैल्यू 100 ले लीजिए, 100 ले लीजिए. अब आप देखिए यहाँ पे 100 into 0 क्या हो जाएगा? 0. फिर से 2x minus 3 is equal to 0, तो x is equal to फिर से क्या आएगा? 3 by 2. तो इसका मतलब आप y की कोई भी वैल्यू ले लो, आपकी x की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है? वन वेरिएबल इक्वेशन हो जाती है. फिर क्या हो जाती है? वन वेरिएबल इक्वेशन हो जाती है. ठीक है, अब क्वेश्चन जो आएगा आपका क्या आएगा कि इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो इन वन वेरिएबल ग्राफ. तो आप क्या करोगे? एक ऐसे करके आपने ग्राफ बना लिया एक्स एक्सिस के अलोंग, ये हो गया 0, 1, 2, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ग्राफ को, 3, 4. ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये इधर नेगेटिव में हो जाएगा, -1, -2, -3. ठीक है, तो अब आप देखिए x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 3 by 2, मतलब कि 1.5. तो ये आपका आ गया पॉइंट, ये पॉइंट हो गया आपका 3 by 2. ठीक है, अच्छा, ये वन वेरिएबल में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. इसी को अगर टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस और ये y. ठीक है, तो फिर से देखें, ये पॉइंट क्या हो गया? 1, ये पॉइंट हो गया 2, ये पॉइंट हो गया 3, ये पॉइंट हो गया 4. ठीक है,
तो x की वैल्यू तो फिर से 3/2 है, मतलब कि 1.5, तो ये हो गया। अब y की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चाहे 0 चाहे 1, x की वैल्यू यही रहेगी। देखिए 1 पे भी यही रहेगी, x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, यही रहेगी। तो ये लाइन हमेशा क्या आ जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, ये आपका। अब आप देखिए y की कोई भी वैल्यू पे जाइए, आप कोई भी वैल्यू की y पे जाइए, x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, यही आएगी, x की वैल्यू हमेशा यही आएगी। तो अब समझने वाली बात ये है, अब ये जो इक्वेशन है, ये इसमें y का जो कोफिशियंट है, इस इक्वेशन में कोफिशियंट ऑफ y क्या है, 0। कोफिशियंट ऑफ y क्या है, 0 है, क्योंकि y तो है ही नहीं। तो ये जो ग्राफ जब आप बनाएंगे टू वेरिएबल में, तो ये y एक्सिस के इस पॉइंट पे y एक्सिस ये आएगा पैरेलल आएगा, किस पॉइंट पे, 3/2 पे, 3/2 से y एक्सिस के क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। अगर यही आपको ऐसे दिया होता 2y = 3, है ना, तो आपका क्या आ जाता, 2y = 3 अगर दिया होता तो y = क्या आ जाता, 3/2। तो अब क्या हो गया, कोफिशियंट ऑफ x 0 हो गया, है ना, कोफिशियंट ऑफ x 0 हो गया। तो टू वेरिएबल में यही ग्राफ कैसे बनेगा, यही ग्राफ कैसे बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3/2 हो गया। तो ये ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। और 1 वेरिएबल में तो आपको पता है कैसे बनेगा, ये 0 1 2 1 2 माइनस का ये 1 वेरिएबल में ऐसे बनेगा, इसका 2 वेरिएबल में ऐसे बनेगा। तो यही चीज हमें एक्सरसाइज में भी करनी है, लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं और एक क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इक्वेशन दे रखी है 2x + 9 = 0। तो इसको पहले 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो इसका मतलब देखिए 2x = -9 हो गया, तो x = क्या हो गया, -9/2, या फिर x = क्या हो गया, -4.5। x क्या हो गया हमारा, -4.5 हो गया है, ठीक है। अब इसको 1 वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल, ये x एक्सिस हो गया, क्योंकि x है तो x एक्सिस, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा, ये -1, -2, -3, -4, -5, है ना। अब आपका क्या है, x = -4.5, तो ये आपका पॉइंट हो गया -4.5। ये आपका किसके अलोंग हो गया, 1 वेरिएबल के अलोंग हो गया, 1 वेरिएबल पे आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यही कह रहा है ना, इन 1 वेरिएबल इसको रिप्रेजेंट करना है। अब 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट कर दीजिए, 2 वेरिएबल में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y, तो ये 1 -का -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब y का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो आपका x क्या है, -4.5, तो ये क्या आ जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 भी ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल है। उसमें आपको क्या दे रखा है, y = 3 दे रखा है। अब तो सिंगल वेरिएबल वाला मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में y = क्या दे रखा है, 3। तो आप ऐसे लाइन खींचेंगे, y किस के लो, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो y = 3, ये पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। अब डबल x और y जब आप 2 एक्सिस पे बनाएंगे, 2 वेरिएबल्स के लिए बनाएंगे ग्राफ, तो आप अपने आप उसको ट्राई करिएगा, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।